फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनका इम्पैक्ट हिप्स और थाइस पे ज्यादा होगा, ठीक है? जाएगा पूरी बॉडी का फैट लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा होगा, वो कैसे होगा? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों एक सवाल जो मुझसे बड़ा ज्यादा किया जाता है ना, मेरे व्हाट्सएप पे भी जो लोग आते हैं माचा टी परचेज करने या डिफरेंट चीजें परचेज करने, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा खवातीन मुझसे सवाल करती हैं, जी अपर बॉडी ठीक है, लोअर बॉडी पे बड़ा ज्यादा फैट है, हिप्स पे बहुत ज्यादा फैट है, थाइस पे बहुत ज्यादा फैट है, हिप्स बड़े हैं, थाइस बड़े हैं, कैसे सही करें, कैसे कम करें? आज इसकी आपको मैं कंप्लीट सोल्यूशन इसका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो आपने पूरी देखनी है। हिप्स का फैट कैसे कम होगा, थाइस का फैट कैसे कम होगा, हिप्स कैसे कम होंगे, थाइस कैसे कम होगी, जिन लोगों की लोअर बॉडी हैवी होती है ना, पेयर शेप बॉडी होती है, वो बॉडी किस तरीके से ठीक होगी, बॉडी सिमेट्री में आएगी, ठीक है जी? तो आज हम करने वाले क्या है, आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं, आपने इन पे अमल करना है और आपका ये लोअर बॉडी का फैट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले ये साइंस है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए कि फलाना कर लो लोअर बॉडी का फैट कम हो जाएगा, फलाना एक्सरसाइज कर लो, फलानी डाइट कर लो, आपके हिप्स और थाइस खत्म हो जाएंगे। देखें ये चीज़ें, आप इस पर मेहनत भी करते हो, आप इस पर टाइम भी लगाते हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है? रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूँ। साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी को जिस तरीके से बनाया गया है उसमें फैट को स्टोर करने की जगह है, और कुछ खास जगह है जो फैट को स्टोर करने की, खवातीन के लिए स्पेशली थाइस पे, हिप्स पे वो फैट स्टोर होता है। वो फैट क्यों स्टोर होता है, ताकि बाद में यूटिलाइज हो सके, ठीक है? लेकिन वो एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देके आपको एक बात समझाता हूँ। एक इंसान जंगल में रह रहा है, ठीक है, उसको रोज खाना नहीं मिलेगा, कभी अचानक से शिकार करके खाना मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि अगर वो खाना खा ले तो एनर्जी स्टोर हो जाए और बाद में कंज्यूम करने के लिए काम आ सके, ठीक है? लेकिन ये सिनेरियो शहर में और यहाँ पे जहाँ हम चीनी वाले खाने और तेल वाले खाने खा रहे होते हैं, यहाँ पे ये सिनेरियो उस तरह से अप्लाई नहीं होता। वो एनर्जी स्टोर तो हो रही है, एनर्जी स्टोरेज में एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन हम और एनर्जी लिए जा रहे हैं तो फैट स्टोर हो रहा है। तो अब जब ये एक एनर्जी स्टोरेज है, मिसाल के तौर पर अगर एक कनस्तर है उसमें आप चावल या चीनी या आटा भर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि जी नीचे वाले कोने से आप निकाल दो, चीनी बाकी पूरे में भरी रहे? ऐसा नहीं हो सकता ना। आप ऊपर से कनस्तर खाली करोगे, फिर जाके नीचे से आप चावल या आटा निकालोगे, मिसाल आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से हिप्स और थाइस का भी है कि आपको हिप्स और थाइस का फैट निकालने के लिए पूरी बॉडी का फैट निकालना पड़ेगा। अगर कोई कहता है पूरी बॉडी पे नहीं है तो बेस्ट है, आपका ऊपर का फैट खत्म हो गया, अब आपके डायरेक्ट टारगेटेड एरिया हिप्स और थाइस है। लेकिन अगर किसी को लगता है मेरे आर्म्स भी बड़े हैं, मेरे हिप्स और थाइस भी बड़े हैं, और तो वो सब जाएगा। अगर किसी को लगता है मेरा फेस बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ हिप्स और थाइस कम हो जाए, फेस कम ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। फेस भी कम होगा, फेस भी पतला होगा, ठीक है? अगर फेस पे फैट है, गालों पे फैट है, ठीक है, वो भी पतला होगा। कहने का मकसद ये है कि पूरी बॉडी का फैट जाता है, ओवरऑल बॉडी का फैट जाता है, किसी एक एरिया का फैट नहीं जाता। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनका इम्पैक्ट हिप्स और थाइस पर ज़्यादा होगा, ठीक है? जाएगा पूरी बॉडी का फैट लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वो कैसे होगा? सबसे पहले तो अच्छी डाइट करना शुरू कर दें, सैचुरेटेड फैट कम करें, ठीक है? अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, हाई फाइबर नाश्ता करें, नाश्ते में फाइबर बढ़ा दें, होल ग्रेन बढ़ा दें, व्हाइट आटा बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको हिप्स और थाइस का फैट कम करना है ना, लाल आटा खाना शुरू करें, मल्टीग्रेन आटा खाना शुरू करें, मेरे पास से मल्टीग्रेन आटा मिल जाता है, ठीक है? व्हाइट चावल छोड़ दें, व्हाइट चीनी कम कर दें, छोड़ दें या कम कर दें, व्हाइट नमक कम कर दें, तीन चार चीज़ें तो पहले अपनी लाइफ से निकाल दें। अब ऐड क्या करनी है आपने, सुबह नाश्ता अच्छा करना है, हाई प्रोटीन नाश्ता करना है, नाश्ते में अंडे खाने हैं, नाश्ते में दाल खाओ, नाश्ते में लोबिया खाओ, ठीक है जी? नाश्ते में आप गोश्त भी खा सकते हो, ठीक है? इवन अगर महीने में एक बार पाए खाते हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन नाश्ते में व्हाइट ब्रेड ना खाओ, भले पाए खा लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी? ये काम आपने करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि रात के खाने में से हफ्ते में तीन दिन तो रोटी को उड़ा दो, तीन दिन रोटी खत्म कर दो, चार दिन रोटी खाओ, तीन दिन रोटी ना खाओ, रूखी चिकन खा लो, रूखी फिश खा लो, रूखी दालें खा लो, ये काम आप कर लो। बाकी डाइट प्लान, अगर आप मुझसे कंप्लीट डाइट प्लान लेना चाहते हो तो नीचे नंबर्स लिखे हुए, मेरा जो एक डाइट प्लान 7,000 रुपये का होता है उसमें माचा टी और चिया सीड्स ऐड करके 9,250 का होता है, सब चीज़ें मैं 3,250 में दे रहा हूँ, नीचे नंबर लिखे हुए आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ 0318211222। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात पे हिप्स और थाइस के हवाले से। देखें आपको एक्सरसाइज करनी लाजमी है। मैं आपको बताऊँ, अक्सर होता है थाइस पर फैट नहीं होता, सेलुलाइट होता है। अब वो सेलुलाइट क्यों होते हैं, वाटर रिटेंशन भी होती है, पानी भी ज़्यादा हुआ हुआ होता है और आपके सेलुलाइट बन जाते हैं, ठीक है? तो आपने करना क्या है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने उन मसल्स को एक्टिव करना है। जिस बॉडी के जिस एरिया का मसल एक्टिव होगा, मसल हैवी होगा, वहाँ पर फैट नहीं टिकेगा, ये बात मेरी समझ लें।
एब्स अगर आप किसी को बनाने होते हैं ना, अगर पेट की चर्बी कम करनी होती है तो हम कहते हैं प्लैंक्स करें। प्लैंक्स क्यों करते हैं? प्लैंक्स क्या करता है? आपका कोर मसल स्ट्रांग करता है। प्लैंक्स एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसकी वजह से बेली, वहाँ उस बेली पे फैट टिकता नहीं है। आप देखें सबसे ज़्यादा सबसे कम बॉडी में फैट कहाँ होता है? मर्दों के देखें बाइसेप पे, ट्राइसेप पे, ये एरिया फैट कम होता है तो मसल डिफाइन नजर आती है, ठीक है। जहाँ मसल डिफाइन होगी ना वहाँ फैट नहीं टिकेगा, जहाँ मसल स्ट्रांग होगी। तो आपने थाइस की और हिप्स की मसल को ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन कैसे करना है आपने? आप स्क्वाट्स करें, आप लंजेस करें, ये दो तीन एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल करें, बड़ी आराम से आ जाएंगी, ये साइड में बनी हुई भी आ रही है। स्क्वाट्स ऐसे करते हैं, ठीक है जी, लंजेस ऐसे करते हैं, ये सब मैं अपनी डिफरेंट होम वर्कआउट वीडियोस में बता चुका हूँ। आप जिम जाइए, जिम में इलेप्टिकल एक मशीन होती है, ठीक है, ये फैट बर्न करने के लिए बेहतरीन, कार्डियो वर्कआउट के लिए बेहतरीन मशीन है। कम से कम डेली 15 मिनट इलेप्टिकल कीजिए, ठीक है, उसके साथ 10 मिनट कभी ट्रेडमिल, कभी साइकिलिंग कीजिए। जिम जाके ये रूटीन फॉलो कीजिए हफ्ते में 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए, जिस पर मैंने बेतहाशा वीडियो बनाई है, होम वर्कआउट लाइफस्टाइल फिटनेस लिखेंगे आ जाएगा। ये चीज़ें आपने करनी है, फिर देखें आपका बेली फैट, आपका थाई का फैट, आपका हिप्स का फैट कैसे जाता है। बेसिकली स्टोरेज फैट को हिट करने की बात कर रहा हूँ। वो कैसे होगा कि आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज होती है, आपकी सांस फूलती है, ये एक्सरसाइजेस आप करें, ठीक है। और फूड में आपने क्या करना है? गुड फैट्स लेना है, फैट्स को नहीं छोड़ना, अनसैचुरेटेड फैट्स लेना है, जिसमें ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, जिसमें देसी घी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो गया। इन चीज़ों पे अपने अपना नॉर्मल हाथ रखना, ना बहुत हैवी ना बहुत हल्का, ठीक है जी। इसके अलावा आपने कार्बोहाइड्रेट्स पे हाथ बहुत हल्का कर देना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया? चीनी, चावल, कैंडीज, बिस्किट, चिप्स, ये चीज़ें निकाल दें। आप देखें आपका हिप्स और थाइस का फैट, आपके इंचेस लूज होंगे, आपके इतने तेज़ी से इंचेस लूज होंगे कि आप कहेंगे कि क्या कमाल हो गया। हाँ, पानी ज़्यादा पिए, अगर 2 लीटर पीते तो 3 लीटर पानी कर दें तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए। इन चीज़ों पर अमल करें, आपका हिप्स और थाइस का फैट जाएगा, नहीं जाए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, बैठ के ज़्यादा टीवी ना देखें, चलते फिरते देख लिया करें, टीवी, मोबाइल पे आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। फ़ोन पे बात करनी है, चलते फिरते करें, घर के काम खुद करें, घर की झाड़ू पोछा, इस तरह के जो काम होते हैं ना ख़वातीन को, वो खुद करने चाहिए। मर्द हज़रात को वॉक लाजमी करनी चाहिए, ख़वातीन को भी वॉक लाजमी करनी चाहिए। इन टिप्स पर अमल करें, फिर मुझे बताएगा कि आपका हिप्स और थाइस के फैट में कितना फर्क पड़ा है। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।